एक टाइम होता था बोलते थे गुड मिलिटेंट बैड मिलिटेंट, गुड तालिबान बैड तालिबान। अब बीजेपी, अब जो अपना उमरदुल्ला साहब वो लेकर आए हैं गुड बीजेपी बैड बीजेपी, जिस बीजेपी के साथ वो हो वो गुड है, ठीक है ना। तो वो वाजपेयी साहब के साथ थे तो बोलते हैं वो गुड बीजेपी था, वो कहते हैं अगर वो जिंदा होते और पावर में होते तो वो उनके साथ होते। लेकिन ये वही वाजपेयी साहब है ना जिनने एक इंटरनल अटॉर्नी की रेजोल्यूशन हमने पास की, इन्होंने ही की थी, उसको रिजेक्ट कर डाला। जिनने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पर बोला कि अगर हमारे पास मेजोरिटी होती तो हम 370 को हटा देते, तो वो कहां से अच्छा हुआ। बेसिक बात ये है, अंग्रेजी में एक कॉन्सेप्ट है एड होमिनम, कि मुझे मैसेज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मैसेज देने वाले से प्रॉब्लम। मींस कि उनको मोदी जी शायद घास नहीं डालते होंगे, बट ये जो सबको वो लेबल लगाते हैं बीजेपी की एजेंसीज की, वो कौन है? वो क्या कोई दूध का धुला हुआ है? What does he think of himself? ये डेमोक्रेसी है? जो पुराना टाइम गया 87 का, लोगों को जेल में बंद करते थे, पीएसए लगाते थे फॉल्स चार्जेस पर, उसको आदत हो गई है हर एक को ह्यूमिलेट करने की। कल सोनावाली और बांडीपोर के लोगों को ह्यूमिलेट किया, आज when he says that I am not fighting Sajjad Lon, I am fighting Delhi, what does he mean? That people who are with me, जो लोग मेरे साथ हैं, वो क्या खरीदे हुए हैं? वो बिकाऊ हैं? 30% वोट, 25% वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लेता है, वो अलूला हैं वो लोग, और जो बाकी 75% वो जो बिकाऊ हैं, we will not allow him to humiliate people of Kashmir. It's not me he is attacking, every single Kashmiri. ये जो अभी लोग थे नीचे, इतनी इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां करके, तहज्जुद गुजार, अल्हम्दुलिल्लाह साफ किरदार, साफ कश्मीरी बोलने वाले, कश्मीरी रहन सहन, ये वो है जो इनके बाप ने जिनको पीएसए में अंदर किया है, इनके इनके जो किसी का बेटा किसी का भाई कत्ल आज कब्र में बैठा है, क्योंकि इन्होंने जो 87 की चोरी की, फिर 96 और 2002 से और 2008 से 2014 तक गोलियों से भून के डाला। दीज किलर्स हैव द ऑडेसिटी दैट नाउ दे विल गिव सर्टिफिकेट्स। डिग्निटी ऑफ कोर्स, जैसे मैं आपको इज्जत से पेश आ रहा हूं, आप मेरे से इज्जत से पेश आ, व्हाट वी आर गेटिंग इज अनइंपॉर्टेंट, हाउ वी आर गेटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या आपको चाय ऐसे फेंक के दे रहे हैं, क्या रोटी फेंक के दे रहे हैं, या इज्जत से कम रोटी दे रहे हैं लेकिन प्लेट में दे रहे हैं, आओ भाई यहाँ खाओ, उसको डिग्निटी क्या है। और मैं आज की डिग्निटी जो बोलता हूँ, आज के डेट में जो ये पुलिस वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम बन गया है नौजवानों को, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि यूथ को हर जगह उन्हें ट्रैप डाला हुआ है, लाओ पुलिस वेरिफिकेशन। अब यहाँ का जो पुलिस वेरिफिकेशन है सिर्फ जम्मू के लिए, बाकी जम्मू का हिंदुस्तान नहीं, बाकी जम्मू में पुलिस वेरिफिकेशन बंदे का होता है कि क्या सजाद लोन ठीक है गलत है, यहाँ खानदान का होता है। और ये कानून भी 1996 के बाद एनसी ने लाया है और इसको और स्ट्रिंजेंट किया है 2008 में, कि खानदान में अगर कोई एक बंदा इन्वॉल्व हो पूरे खानदान को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। So what is happening today? Government is saying कि अगर ठेकेदारी का कार्ड चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, मतलब उसके खानदान में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो नहीं होगा। फिर दूसरा बोल रहे हैं कि पासपोर्ट के लिए, जॉब के लिए, यंगस्टर्स जो बेचारे तब पैदा भी नहीं हुए थे जब यहाँ मिलिटेंसी थी या उनका फादर उसमें इन्वॉल्व था, आज उनको अचानक बोला जा रहा है कि आप एंटी नेशनल हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग दैट लॉज, कानून जो पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, वही कानून आप हमारे बच्चों एनसीआर। यार आप मेरी बात सुनो, एज ऑन डेट मैं एक लिमिटेड मैंडेट से बोल रहा हूँ दैट वी विल स्ट्राइव फॉर डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। और मेरे सामने जो इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आज देखिए, आज पीएसए लगाए जा रहे हैं, हर पुलिस स्टेशन में लोगों को बुलाया जा रहा है, जब वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होते तब 30-35 साल के, आज वो 60-65 साल के हैं, जाते हैं बेचारे तो थैला लेकर जाते हैं दवाइयों का, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। We have to talk about it. Sir, you have been repeatedly talking about 87 elections. So, in case you are winning tomorrow from North Kashmir, would you be asking center to open this file again and take the people task who are involved in this 87? जब तक 87 पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, ये क्लोजर नहीं होने वाला। आखिरकार अगर दो पार्टियों ने मिलकर इतनी चोरी की कि 1,00,000 कब्रें इस वक्त कब्रिस्तानों में वायलेंस की वजह से, और इतना तहस नहस हुआ, आर्मी ऑफ ऑर्फन्स विडोज, और कोई सवाल तक नहीं पूछता है कि यार ये किया क्यों,
आई विल ऑफ कोर्स। सर भी बहुत बड़ा सानिया श्रीनगर में पेश है, बहुत सारे बच्चों की जान गई। लोग वहां पर कह रहे हैं कि यहां के सियासतदानों ने पिछले 70 साल से यहां पर एक पुल नहीं बना पाए, इस पर क्या कमेंट रहेगा? मैं वहां का नहीं था, लेकिन जो भी आए और इसमें एज अ कम्युनिटी हम सब की गलती है, वहां नहीं आया और क्या करे, मतलब इतने छोटे बच्चे, इंसान तो काम होता है, गलती तो है। मेरा जो बाप गनी लोन था और उसका बाप अहमद लोन था, माँ मेरी सोपोर की है, बचपन मेरा सोपोर में गुजरा है, सोपोर से हरे तक बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मैं तकरीबन 5,000 लोगों को नाम से जानता हूँ, मेरी जमीन है यहाँ। हाँ, अगर हम जिंदगी में रहना मतलब अलाउड नहीं है तो ठीक है, वापस आ जाएंगे और क्या करें। अच्छी बात है, वो एक आईनी रोड मैप थे कि 3 MP उनके पास थे, उनके सामने ले गए, आज उन्हीं 3 अगर मान ले हम, मैं भी पीछे हट जाता हूँ, 3 उनको दे देते हैं, चलो वो जम्मू के 2 भी इनको देते होंगे 5। ये एक आईनी रोड मैप दे कैसे उसी पार्लियामेंट से ये वो वापस लाएंगे। देखिए 370-35 से या इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट, तकरीबन 350-300 MPs की जरूरत है। आई थिंक इट इज टाइम आप झूठ बोलना बंद कर दे, जो उनकी इतिहादी पार्टियां हैं उनसे बयान दिलवा दे, वो खुदा की कसम मैं पीछे हट जाऊंगा, दिलवा दे। आप बताइए उनको कि जो कांग्रेस है, शिवसेना है, दल शिवसेना और बालफा, आज तो वो अच्छी होगी, दैट इज गुड शिवसेना बिकॉज इफ जुद उमर अब्दुल्ला, अब वो पुराना बॉम्बे राइट सारा दुल गया जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम हो वो तो गया, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया एब्रोगेशन वो भी गया, क्यों? बिकॉज वो गुड उमर अब्दुल्ला के साथ है, इसलिए वो भी गुड हो गए, ठीक है ना, उनसे तो लिखवा कर लाए। लेट देम हेल्प से दैट वी विल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ देम गेटिंग 350 अगर उनको मिले ठीक है, बट हाउ कैन यू डू इट, भाई कैसे लाओगे बताओ। पिछली बार आपने बोला कि हम इंटरनेट ऑन भी लाएंगे और 1953 की पोजीशन, मैंने खुद अपने कानों से सुना सर, हम टूरिज्म के हक में हैं, हम एक पैकेज लाएंगे इंशाल्लाह जिसमें हजारों टूरिस्ट यहाँ आएंगे और पैसा खर्चेंगे, लेकिन ये जो एनसीए वाला टूरिस्ट है इसको ये तो कहीं से लेने आया हुआ है, जो हम चाहते हैं टूरिस्ट आए, पैसा खर्चे, यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ये तो अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ आ रहा है, ऐसे टूरिस्ट हमें नहीं चाहिए जो वहाँ से आके यहाँ। सर प्लस कॉन्फ्रेंसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नॉर्थ कश्मीर बर्न पार्टी और कुपवाड़ा बर्न पार्टी, डू यू सी दैट कुपवाड़ा हैज अ मोर रिस्पांसिबिलिटी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस शुड हैव मोर एक्सेप्टेंस इन कुपवाड़ा कंपेयर टू अदर प्लेसेस? देखिए हर एक चीज में हर रीजन हर पार्टी का एक अपना स्ट्रांग होता है, राइट, हमारी स्ट्रेंथ यहाँ है, फिर पटन में भी है, सो श्रीनगर से हमारे हैं, जाडोरा से हिलाल राठौर साहब है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बर्थ इसका इधर से हुआ है, तो मेरा तो हक बनता है कि मैं उन लोगों से भी बोलूं जो मेरे साथ नहीं है, मेरी पार्टी के साथ नहीं है, कि आज ये पार्लियामेंट का मेंबर है, आज अपने भाई को आप वोट दें, अपने हमसाया को वोट दें, ये आप सही कह रहे हैं। It was expected that national conference may announce a local leader from Kupwara, Saifullah and Mahbub-ul-Haq Chaudhary, but they didn't, they announced Umar Abdullah. So in your calculation, how do you see that what led this party to announce Umar Abdullah, not any one from Kupwara? I don't give a damn who they said. Right, for us they are all equal. Right? उनका अपना एक वोट बैंक, और इलेक्शन में हार जीत हमेशा होती है, वी आर रेडी फॉर, विल इंशाल्लाह पे 100%, बट वी आर रेडी फॉर अ सेटबैक आल्सो। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को डर था इसीलिए उनको इतना समय लगा, उसके बाद जो अब के मुकाबले में उमर अब्दुल्ला जैसे करते हैं? आई एम नॉट एरोगेंट टू से दैट वुड बी एरोगेंस, मैं वो एरोगेंट नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता, कल मैं देख रहा था कि नोएडा में शायद उमर साहब ने बोला, किसी ने मुझे क्लिप दी कि मेरा मुकाबला सजाद दून से नहीं, मेरा मुकाबला दिल्ली से। उमर साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ही थिंक्स दैट ही एंड हिज फैमिली आर इनहेरेंटली सुपीरियर, सजाद दून की क्या औकात कि ये मेरे खिलाफ लड़े, ये क्या मेरी बराबरी करे, ये उमर अब्दुल्ला साहब मोदी जी ये जरा सेम लेवल के लीडर हैं, तो उनका मुकाबला मोदी जी से, मतलब वो भी उसी लेवल के एक ही टक्कल के लीडर हैं, हम तो छोटे, बहरहाल वो लोग तय करें किसका कितना, किसका कितना कद है। एंड आई विल अगेन रिपीट दैट ही शुड स्टॉप ह्यूमिलिएटिंग, बंद कर दीजिए कश्मीर के लोगों को पोट्रे करना एज बिकॉज, जो आपके साथ नहीं आता, पहले गुजर लोग बोला फारूक साहब ने उनको अटैक किया, आप देखिए गुजर लोगों को जी वोट नहीं दिया, हालांकि उमर भर गुजर कम्युनिटी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट कहीं दिया नहीं होगा, खुशी नहीं हुई होगी, बोला कि वो चोर है,
अब जो सजाद लोन के साथ है वो एजेंसी वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, लिख लेना। जो बाकी पार्टियां हैं वो भी एजेंसी वालियां हैं, जिनके साथ इनका आज तक इतिहाद है, कल अगर वो उल्टी होंगी तो वो भी एजेंसी। ये मानकर चलो दैट इट इज माई वे और हाई वे, इधर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, कि जो हमारे साथ नहीं है वो एजेंसी वाला है। लेकिन आई वॉन्ट टू पुट इट, वो मेरे साथ बहस करे कि सबसे बड़ा एजेंसी वाला कौन है, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ जिसके हाथों मैक्सिमम कश्मीरी मुसलमान मरा है, जिनके हाथों में मैक्सिमम खून लगा हुआ है और जिनको सबसे ज्यादा रियायत मिली है दिल्ली से। व्हाट वाज 75, ये जब 75 में आए वो क्या था, 1947 से 75 तक जितने इरोजन से उसको एंडोर्स करना था, एंडोर्स करने के लिए शेख साहब आए, प्राइम मिनिस्टर से उतरकर चीफ मिनिस्टर बने, प्लेट पर हुकूमत। What was in 75 apart from chief ministership from for Sheikh Saab aur kya tha uske baad 87 ek aaj tak closure nahi ho raha hai, 100,000 log mara hua hai, kyun inko plate par hukumat deni thi through rigging, 96 to tha hi nahi, wahan yahan kaun sa election hua, wo bhi plate par tha, and these people who have been, mujhe bataiye kaun sa election hai jisme humne, maine pehle lada in 2009 mein haar gaya, 2014 में कैंडिडेट उठाया हार गया, फिर 2014 की असेंबली में हमने दो कैंडिडेट जीते, हम अंदर आ गए, ढाई साल हमने हुकूमत की है, बख्शते ही नहीं है, मतलब ढाई साल हमने हुकूमत नहीं की, कोई बहुत बड़ा गुनाह किया, और जिन्होंने 40 साल हुकूमत की है तो वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। दिस इज समथिंग दैट यू शुड आस्क, ढाई साल में मैं वहां था, मैं ना होम मिनिस्टर था ना मैं कोई ये था, मैं पशुपालन मंत्री था, तब तो ये लगे थे रहते थे 24 घंटे फोटो डालने में, वो बेड़ू को डालकर बोलते ये कोई पावर लग रही है, ये अब जब मैं चला गया ढाई साल में, चलो जी ढाई, अच्छा मान लिया मैं गलत, बस छोड़ दिया, जो मैं तेरी गलती, अब अपनी बातें करें, इनने क्या किया, सज्जाद साहब गलत होने से मैं फिर बोलता हूँ, दे डोंट बिकम गुड, दे हैव टू आंसर फॉर द मर्डर्स, दे हैव टू आंसर फॉर द जेलिंग्स, दे हैव टू आंसर फॉर पीएसए, फॉर पोर्टर, दे विल हैव टू आंसर फॉर एवरी सिंगल सेल that they have committed against the people. Sir, Amar Sahab ko sawal pucha gaya Srinagar press conference mein ki aapne, aapko logon ne 5 saal diye, 3 parliament mein aapne bheje, usne ye kaha ki yahan pe covid tha, unrest tha, to hum kaam nahi kar paye, Akbar Lone Sahab ka naam nahi liya, kya reaction tha sir uske? Covid ko to bahut time ho gaye hue, NC quarters mein covid hota, NC se baat to covid kya hua, NC wale ne aise covid ko tan mein chal paye ki, jaise kuch covid chun ki us tarah NC wale gaye, Sajjad Sahab aisa covid abhi tak dekha nahi hai ki jo sir NC walon ko ho jaye, बाकी तो कोविड गए हुए 2-3 साल हो गए। फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, वी आर इन कपवारा एंड आई थिंक पीपल ऑफ कपवारा शुड बी पार्ट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो इफ यू आर विनिंग टुमारो, डू यू हैव प्रिपेयर्ड एनी रोड मैप, लाइक वी हैव हॉटस्पॉट इश्यूज, टंगार टनल, वी हैव अ मैसिव पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, बट ऑल दीस थिंग्स आर नॉट गेटिंग एनी अटेंशन, सो ये आज एक चीज याद रखना, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी तो याद रखना वो एक रेवोल्यूशन होगा डेवलपमेंट में और डिग्निटी में, ये मेरा वादा है, मैं वादाबद्ध है, न मैं आपको शर्मिंदा करूंगा पार्लियामेंट में, न मैं शर्मिंदा करूंगा आपको डेवलपमेंट में, आई प्रॉमिस यू दिस, इफ यू वोट फॉर मी उस वोट की गूंज पूरे हिंदुस्तान में होगी, ये याद रखना, और उसके डेवलपमेंट की गूंज पूरे नॉर्थ कश्मीर में होगी, कुपवारा में भी होगी, टनल हो कुछ हो, मुझे मालूम है पैसा कैसे लाना है, वो मेरा एक पैशन है, That's my passion. कि यहाँ लाखों लोग आए, लोग यहाँ के नौजवान टूरिज्म से और हॉर्टिकल्चर से, दो चीजों से अपनी जो है ना रिज़्क इज्जत से कमाए। सबसे ज़्यादा वर्कर्स मारे गए, वो बंदूक कैसे लाए? एक वर्कर का नाम हो जो हमने मारा हो, एक और अगर ये वो डिबेट खोलते हैं, बेटर है ये डिबेट ना खोले, क्योंकि जब फारूक साहब अपनी फैमिली को लेकर भाग गए, मंत्री भाग गए और बेचारे वोटर को पीछे छोड़ दिया, तो उनके लोग सब कंज्यूमर में घुस गए, मेरे पास क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं टूरिस्ट नहीं, लिस्ट है कौन कौन सा आज का टॉप वर्कर उस वक्त तंजीमों में था और डेथ वारंट्स पर साइन कर रहा था, मैं वो लिस्ट रिलीज कर दूँ तो मूंछ पाने को जगह कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए बेटर है इसको बंद कर दें।